एक प्रार्थना जो मजबूत और गहरी है उसे निश्चित रूप से भगवान का उत्तर मिलेगा। साइंस में रिलीजन के एप्लीकेशन से स्पिरिचुअल पॉसिबिलिटीज में आपका अनिश्चित विश्वास उनकी हाईएस्ट फुलफिलमेंट का एहसास बन सकता है। अतीत में आप निराश हुए होंगे कि आपको प्रार्थनाओं का उत्तर नहीं मिला, लेकिन विश्वास ना खोए, ईश्वर कोई म्यूट अनफीलिंग बीइंग नहीं है, वह स्वयं प्रेम है। परमहंस ने कहा है कि ईश्वर वह प्रेम है जो ब्रह्मांड को कायम रखता है, वह जीवन और शक्ति का सागर है जो पूरी सृष्टि में व्याप्त है। प्रेयर के साइंटिफिक मेथड्स के माध्यम से हम खुद को उस अनंत शक्ति के साथ जोड़ सकते हैं और बॉडी, माइंड और सोल को स्वस्थ कर सकते हैं। परमहंस ने बताया कि हमारे फिजिकल बॉडीज और जिस मैटेरियल वर्ल्ड में हम रहते हैं वह ऊर्जा के अदृश्य पैटर्न का कंडेंसेशन है। वह ऊर्जा विचार के सूक्ष्म ब्लूप्रिंट, सूक्ष्म वाइब्रेशन की एक्सप्रेशन है जो एनर्जी और मैटर की सभी मैनिफेस्टेशंस को नियंत्रित करती है। संपूर्ण सृष्टि ईश्वर द्वारा अस्तित्व में लाई गई पहले विचार या आइडिया के रूप में, फिर दिव्य चेतना ने उन थॉट पैटर्न को प्रकाश और ऊर्जा में और अंत में मैटर के स्थूल वाइब्रेशंस में कंडेंस होने के लिए प्रेरित किया। साइंटिफिक प्रेयर इस सत्य की समझ और सृष्टि की यूनिवर्सल फोर्सेस के एप्लीकेशन पर आधारित है। यह ईश्वर के हेल्थ, हार्मनी और परफेक्शन के थॉट पैटर्न के साथ तालमेल बिठाती है और फिर उन पैटर्न को मैटेरियलाइज करने के लिए एनर्जी को बदलने के लिए विल पावर का यूज करती है। अब बात करते हैं भगवान द्वारा आपकी प्रार्थनाओं का उत्तर पाने के लिए परमहंस योगानंद द्वारा दी गई कुछ टेक्निक। लेकिन उससे पहले अगर आप ऐसी जानकारी को खुद से पढ़ना और समझना चाहते हो तो आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए लिंक्स से परमहंसा योगानंदा द्वारा लिखी गई बेस्ट बुक्स को खरीद सकते हैं। तो पहला नियम है प्रे एज अ सन नॉट एज अ बेगर, कि इच्छा पूर्ति के लिए भिखारी की तरह नहीं बल्कि बेटे की तरह प्रार्थना करें कि मैं आपका बेटा हूँ और आप मेरे पिता हैं, आप और मैं एक हैं। जब आप गहराई से और लगातार प्रार्थना करते हैं तो आप अपने दिल में एक महान खुशी महसूस करेंगे। जब तक वह आनंद प्रकट ना हो, संतुष्ट ना होए, और जब आप अपने दिल में उस फुल्ली सेटिस्फाइंग जॉय को महसूस करेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि भगवान ने आपकी प्रार्थना प्रसारित कर दी है। फिर अपने पिता से प्रार्थना करो, हे प्रभु मुझे इसकी आवश्यकता है, मैं इसके लिए अपना काम करने को तैयार हूँ, प्लीज मुझे गाइड करें और मेरी मदद करें। परमहंस योगानंद कहते हैं भिखारियों की तरह प्रार्थना ना करें, जबकि बाकी सभी लविंग फादर की तरह वह हमारी योग्य इच्छाओं को पूरा करने में खुश होते हैं। आपको ईश्वर से उनके बच्चे की तरह जो कि आप हैं इंटीमेटली प्रार्थना करनी चाहिए। परमहंस योगानंद के अनुसार लोगों की प्रार्थना अक्सर भिखारी की चेतना को दर्शाती है। हम ईश्वर की संतान हैं, भिखारी नहीं, और इस प्रकार हम अपनी दिव्य विरासत के हकदार हैं। जब हमने अपनी आत्मा और ईश्वर के बीच प्रेम का संबंध स्थापित कर लिया है तो हमें प्रेम पूर्वक अपनी वैध प्रार्थनाओं की पूर्ति की मांग करने का अधिकार है। तो सेकंड पॉइंट है कंसंट्रेशन, यानी कि एकाग्रता। सफल प्रार्थना काफी हद तक कंसंट्रेट करने की एबिलिटी और मन को डिस्ट्रैक्शन से फ्री करने और जो कुछ भी हम चाहते हैं उस पर कंसंट्रेट करने की एबिलिटी पर डिपेंड करती है। जिस तरह सूर्य की बिखरी हुई किरणों को एक मैग्नीफाइंग ग्लास के माध्यम से एकत्रित करके इंटेंस चलन पैदा की जा सकती है, उसी प्रकार थॉट्स, फीलिंग्स और बोले गए शब्दों में छिपी सूक्ष्म लेकिन पावरफुल एनर्जी को एकाग्रता की विधि से प्रार्थना में एकत्रित किया जा सकता है। अगली तकनीक है पावर ऑफ विल।
इच्छा शक्ति। प्रार्थना में इच्छा शक्ति एक आवश्यक एलिमेंट है। इच्छा शक्ति का कॉन्टिन्यूस शांत पावरफुल यूज क्रिएशन के फोर्सेस को हिला देता है और इनफाइनाइट से रिस्पॉन्स लाता है। परमहंस योगानंद कहते हैं, जब आप फेलियर को इनकार करते हुए दृढ़ रहते हैं तो संकल्प का उद्देश्य पूरा होकर रहता है। जब आप लगातार अपने थॉट्स और एक्टिविटीज के माध्यम से उस डिजायर पर काम करते हैं तो आप जो चाह रहे हैं वह पूरा होना ही है। भले ही दुनिया में इसकी इच्छा के अनुरूप कुछ भी नहीं है, लेकिन जब आपकी इच्छा कायम रहती है तो डिजायर रिजल्ट किसी न किसी तरह मैनिफेस्ट हो जाता है। अब पहले वीडियो को लाइक करें। तो अगला पॉइंट है आस्था। परमहंस योगानंद के गुरु स्वामी श्री युक्तेश्वर गिरी ने कहा है, यदि आपके भीतर वह विश्वास है जो वास्तव में दिव्य है, और यदि कोई ऐसी चीज है जिसे आप चाहते हैं जो ब्रह्मांड में नहीं है, तो वह आपके लिए बनाई जाएगी। इसलिए हमें यह विश्वास रखना चाहिए कि हम जो भी चाहते हैं, यदि उसे प्राप्त करना बहुत कठिन है, तो वह आपके लिए प्रकट होगा यदि आपके भीतर विश्वास है। अगला पॉइंट है भक्ति, भगवान के प्रति प्रेम। भक्ति भाव से की गई प्रार्थना ही सबसे इफेक्टिव प्रार्थना है। ईश्वर के प्रति भक्ति प्रेम दिल का मैग्नेटिक अट्रैक्शन है, जिसे ईश्वर रेजिस्ट नहीं कर पाते। परमहंस योगानंद कहते हैं, दिलों का खोजी केवल आपका सच्चा प्यार चाहता है। वह एक छोटे बच्चे की तरह है, कोई उसे अपनी सारी संपत्ति अर्पित कर सकता है पर वह उसे नहीं चाहता है, और कोई उससे दर्शाता है, हे भगवान मैं तुमसे प्यार करता हूँ, और वह उस भक्त के दिल में दौड़ता हुआ आता है। परमहंस योगानंद बताते हैं कि भगवान लंबी प्रार्थनाओं की तुलना में हमारे प्रेम में ज़्यादा इंटरेस्ट रखते हैं। बिना ध्यान और भावना के मशीन की तरह प्रार्थना करना भगवान को बिना सोचे समझे मुरझाए हुए फूल चढ़ाने के समान है। यह एक ऐसी भेंट है जिसे कोई रिस्पॉन्स मिलने का चांस नहीं है, लेकिन अगर हम भक्ति कंसंट्रेशन और विल पावर के साथ भगवान को बार बार पुकारते हैं तो हमारी प्रार्थनाएं भगवान तक पहुंच जाती हैं। ये जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो शेयर करें, और ऐसी और जानकारी पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें।